the recorded 484 cases of stubble burning in Punjab is the highest single day spike in 2024, taking the total incident of farm fires across the state to 2,950. Of the 484 incidents, Sangrur reported the highest with 89 cases of stubble burning, followed by Ferozapur with 65 and Mansa with 40, as per data from the Punjab Pollution Control Board. The air quality in the national capital continues to be a concern as it remains in the very poor category after the Diwali festivals, of course, as Punjab witnesses a further uptick in farm fire incidents. We have also seen cases of parali burning in Haryana. Let's in fact listen into some ground reports filed by my colleagues. पूरे हरियाणा प्रदेश में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम AQI की बात करें करनाल की, करनाल में भी AQI 250 के करीब पहुंच चुका है और ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कल दिवाली का पर्व जहाँ पर मनाया गया है, वहीं पर जो है प्रशासन के द्वारा कई बार जो है रोकने का प्रयास भी किया गया कि पटाखे ना फोड़े जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी ज़्यादा पटाखे जो हैं वो फोड़े जाते हैं। लगातार किसान जो है वो पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं पर कृषि विभाग और प्रशासन के द्वारा जो उन पर कार्रवाई भी की गई है। ऐसे में तकरीबन 70 लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं और 1,20,000 रुपये के तकरीबन जो उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि कुछ किसानों के ऊपर जो FIR भी दर्ज की गई है, उनमें से 2 से 3 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें प्रदूषण की, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे शाम होती हुई नजर आ रही है, शाम के समय भी जो है देखा जाता है कि पराली में आग लगने के मामले ज़्यादातर सामने आते हैं देखा जाता है, और उस समय जो है सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है। अस्पतालों में भी जो है कहीं ना कहीं संख्या मरीजों की देखने को मिल रही है जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और ऐसे में लगातार प्रशासन की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, लगातार लोगों से अपील कर रहा है, किसानों से अपील कर रहे हैं कि पराली को ना जलाया जाए, क्योंकि प्रदूषण कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई जगह पर 300 पार, कई जगह पर 400 के करीब जो है AQI का लेवल देखा गया है। करनाल में भी 250 का, हालांकि कल तक नहीं था, आज जो है 250 के करीब जो है AQI देखा गया, और ऐसे में लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, किसानों से अपील कर रहा है कि पराली को ना जलाया जाए ताकि प्रदूषण पर कहीं ना कहीं हद तक जो है उस पर कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि शाम होते होते हवा जो है वो कहीं ना कहीं जहरीली बन जाती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और लोगों को जो है कहीं ना कहीं इचिंग होती है, आँखों में परेशानी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसके कारण कहीं ना कहीं अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें जो है वो लोगों की देखने को मिलती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक जो है AQI लेवल कंट्रोल में आता है, और लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि पराली को ना जलाया जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से मुकुश तेजा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.